गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांज इक्वेशन आपको ध्यान हो तो लैग्रांज इक्वेशन के अंदर टी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो इसने यही बोला है, इन ऑर्डर टू फॉर्म लैग्रांज इक्वेशन इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी टी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू आई डॉट। तो हम पहले क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी एंड क्यू आई डॉट, टाइम और जनरलाइज्ड वेलोसिटी की टर्म में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर, और टोटल एन पार्टिकल्स हम लेते थे तो ये बन जाएगा हाफ समेशन एम के वी, यानी कि आर के डॉट का स्क्वेयर। ठीक है, आर के डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। आर के डॉट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आर के डॉट किसका फंक्शन है, आर के फंक्शन है क्यू आई का और टी का। जो आर के था, आर के आपके पास किस किस का फंक्शन है, टी और क्यू आई का। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू आप, क्योंकि इन दोनों को हम एक दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्यू आई जैसे टी और आर के का फंक्शन है, ऐसे ही आर के टी और क्यू आई का फंक्शन है। अब जब हम आर के डॉट निकालेंगे तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसका क्यू आई के रिस्पेक्ट में करेंगे और क्यू आई का टी के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में। तो आर के डॉट की वैल्यू क्या आ गई, कर्ल आर के बाय कर्ल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट और प्लस कर्ल आर के बाय कर्ल टी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए आर के डॉट की जगह, तो इस टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। जब इस टर्म का स्क्वेयर खोलेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ए का स्क्वेयर, ये बन गया बी का स्क्वेयर, और ये टू ए बी। ठीक है, उसके बाद हाफ समेशन एम के एज इट इज़, इसके स्क्वेयर का मतलब इसको हमने एक बार आई के लिए लिखा और एक बार जे के लिए लिखा, अलग अलग सेपरेट कर लिया, प्लस हाफ ये टर्म एज इट इज़ लिखी, एम के से मल्टीप्लाई, हाफ एम के से मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया, और फिर ये हाफ से टू कैंसिल हो जाएगा समेशन ऑफ दिस टर्म, और एम के से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दिया। अब हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए खुद से ही, लेट ए आई जे, ए आई और ए नॉट, जो कि किसके फंक्शन है, टी और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू वन क्यू टू क्यू एन के। डिफाइन किस तरीके से किए, ये खुद से डिफाइन किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ए आई जे की वैल्यू आप ये कैसे ध्यान रख सकते हो, ए आई जे की वैल्यू क्या ले ली, हाफ समेशन एम और ये दोनों टर्म्स जो फर्स्ट टर्म में आई हुई है थर्ड इक्वेशन की, वो बन गया ए आई जे। सेकेंड हाफ समेशन एम कर्ल आर के बाय कर्ल टी इंटू कर्ल आर के बाय कर्ल क्यू आई, ये इसको नाम क्या दे दिया, ए आई। ये जो टर्म आई हुई है थर्ड टर्म में, ये हमने किसको नाम दे दिया, ए आई को, और इस थर्ड टर्म को इसको क्या नाम दे दिया, ए नॉट। ठीक है, ताकि थर्ड इक्वेशन को हम इनके टर्म्स में लेके आ सके, ए आई जे, ए आई और ए नॉट के टर्म में। तो वही काम किया हमने, अब थर्ड इक्वेशन में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो क्या बन जाएगी, हाफ समेशन आई और जे दोनों पर था, फिर वो वैल्यू रख दी ए आई जे, बाकी टर्म बचेंगी क्यू आई डॉट क्यू जे डॉट। ठीक है, सेकेंड वाली टर्म ए नॉट ही बन गई, उसको हमने लिख दिया प्लस ए नॉट, और जो थर्ड टर्म थी उसमें ये जो कर्ल आर के बाय कर्ल क्यू आई इंटू कर्ल आर के बाय कर्ल टी है, वो तो बन गया ए आई, और बाकी टर्म क्या बची, क्यू आई डॉट। ठीक है, ये तीन टर्म आ गई, इनको हमने नया नाम क्या दे दिया, टी टू, टी वन और टी नॉट। फर्स्ट टर्म बन गई टी टू, सेकेंड को नाम दिया टी वन, और थर्ड को क्या नाम दे दिया, टी नॉट। वी नो दैट इन केस ऑफ स्लेरोनोमिक सिस्टम टाइम डज नॉट एक्सप्लिसिटली एंटर इन द इक्वेशन, टाइम पे वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट। तो कर्ल आर के बाय कर्ल टी तो क्या हो जाएगा, जीरो। कर्ल आर के बाय कर्ल टी जीरो होने का मतलब ए नॉट क्या हो गया, जीरो। ए नॉट का मतलब टी नॉट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ऐसे ही ए आई में भी टर्म आ रही थी कर्ल आर के बाय कर्ल टी, तो ए आई भी जीरो हो जाएगा। ए आई जीरो होने का मतलब टी वन भी क्या हो गया है, जीरो। तो इसकी वजह से ए नॉट और ए आई जीरो हुए, उसकी वजह से टी नॉट और टी वन जीरो हुए। तो टी सिर्फ किसके इक्वल बचा, टी टू के। तो टी की वैल्यू सिर्फ हमारे पास ये बची, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ टी एंड क्यू आई का, क्यू आई डॉट का फंक्शन, यही हमें निकालना था अभी तक। तो Thus we see that kinetic energy of a scleronomic system appears in the form of homogeneous function of second degree of generalized velocity. ठीक है, that is kinetic energy of a holonomic system is a quadratic function of generalized velocity. कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन भी आ जाता है कि शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होलोनोमिक सिस्टम और स्लेरोनोमिक सिस्टम इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, या इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो आपको यहाँ तक ये आर्टिकल करके आना अगर ये क्वेश्चन आता है तो।
ठीक है, अभी हमें तो इन्वेस्टिगेट करना है लैग्रांज इक्वेशन को और फिर प्रूव करना है कि सॉल्यूशन की यूनिकनेस। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहीं तक करके आना है ये आर्टिकल। आगे देखिए, इट विल बी नोटेड दैट इन एनी आर्बिट्रेरी होलोनोमिक सिस्टम द होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फॉर्म T2 इज ऑलवेज नॉन डीजनरेट। हमें अब आगे प्रूव करना है कि ये जो T2 है हमेशा नॉन डीजनरेट रहेगा। नॉन डीजनरेट का मतलब क्या है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा इसके कोफिशियंट से वो जीरो से अलग आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसके कोफिशियंट क्या बनेंगे, AIJ, तो इसका मतलब AIJ का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये प्रूव करना। तो हमने उल्टा सपोज कर लिया, लेट इफ पॉसिबल कि AIJ का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है तो हमारे पास एक सिस्टम आएगा एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का, वो हमने ले लिया समेशन AIJ लैम्डा J इक्वल टू जीरो, और इसके पास क्या आएगा, एक रियल नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा लैम्डा जे के लिए। जब इन इक्वेशंस को हम इन लैम्डाइज जो अननोन्स हैं उनके लिए सोल्व करेंगे तो इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है AX इक्वल टू जीरो जहाँ पर X अननोन है, तो जब हम इनके A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो इसके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब इन लैम्डा जेस के लिए हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि AIJ का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसके पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 12 को टर्म वाइज किससे, लैम्डा आई से, और उसके ऊपर फिर से क्या लेंगे, समेशन। तो समेशन अब आई और जे दोनों पर हो गया है और लैम्डा आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में देखिए, फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या थी, AIJ इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, तो इक्वेशन फोर्थ से क्योंकि AIJ का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है, जीरो, तो इसीलिए उस इक्वेशन को हमने लैम्डा आई और लैम्डा जे से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू में क्या रखा है, जीरो। इन दोनों टर्म को अलग अलग कर लिया आई के लिए और जे के लिए। ठीक है, और फिर इन पर्टिकुलर आई और जे को हमने इक्वल रख लिया। आई और जे को इक्वल रखोगे तो इस टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से आपके पास फिर क्या आ गया, मास तो जीरो हो नहीं सकते, इसका मतलब इस टर्म का स्क्वायर जीरो होगा और टर्म का स्क्वायर जीरो, तो इसका मतलब ये टर्म भी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। दीज एन वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3n स्केलर इक्वेशन। फिर हमने इस 14th इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्केलर इक्वेशन में। आर के था तो तीन इक्वेशन बन जाएगी, एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए और एक बार जेड के लिए। इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 15। इक्वेशन 15 शोज दैट फॉलोइंग जैकोबियन फंक्शनल मैट्रिक्स, इससे हमने जैकोबियन फंक्शनल मैट्रिक्स बनाई। वो कैसे बनाओगे, कर्ल एक्स के बाय कर्ल क्यू एन, आई वेरी करता है 1 to n, तो कर्ल एक्स के बाय एक्स वन बाय क्यू वन, फिर एक्स वन बाय क्यू टू अप टू सोन एक्स वन बाय क्यू एन। फिर ये काम आप वाई वन के लिए करोगे, फिर जेड वन के लिए, फिर एक्स टू वाई टू जेड टू के लिए अप टू सोन एन पार्टिकल्स से, तो एन के लिए लिखोगे। तो ये हमारे पास जे मैट्रिक्स बन गई है, जैकोबियन मैट्रिक्स। अब आगे इसने कहा है द कॉलम ऑफ इक्वेशन 16 आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशन आया था वो नॉन जीरो सॉल्यूशन आया था लैम्डा आई के लिए। आपने जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए लिखा था कि लैम्डा जे के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, इसी तरीके से आप इससे भी लिख सकते हो कि यहाँ से भी लैम्डा आई का जो सॉल्यूशन आएगा वो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब कर्ल आर के बार कर्ल क्यू आई का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका डिटर्मिनेंट जीरो आने का मतलब इसी से ही तो ये इक्वेशंस लिखी थी, तो इसका मतलब इनसे जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो इसका मतलब ये सारे कॉलम्स आपस में क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब वो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे LD बनेंगे। LI तभी बनते हैं जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, तो इसीलिए इस इक्वेशन के जो कॉलम्स आएंगे वो LD आएंगे। दैट इज़ इसका मतलब रैंक जो आएगा इस मैट्रिक्स का वो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं आएगा। टोटल n के लिए वेरिएबल्स के लिए हमने ये लिखा था, तो इसका मतलब इसका रैंक इक्वल टू n नहीं आएगा, वो क्या रहेगा, लेस देन n रहेगा। ठीक है, देन अमंग द 3n फंक्शंस, जो टोटल 3n फंक्शंस है, कितने आर्ग्यूमेंट्स के, n आर्ग्यूमेंट्स q1 q2 qn और t, इन्हीं का ही फंक्शंस होते हैं ये सारे। ठीक है, दीज आर रो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज
टोटल ये इंडिपेंडेंट तो जितना रैंक होगा उतनी होंगी, वो कितना है रो, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज तो आएंगी रो, उन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम बाकी रिमेनिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म्स में लिख सकते हैं। वही लिखा इसने, देयर आर रो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच ऑल द रिमेनिंग कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम में बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इन रो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को हम बाकी जो रिमेनिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे इसने लिखा, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट मिनिमल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के होते थे, और वो कितना था, एन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो कोऑर्डिनेट्स है वो एन आने चाहिए थे, और आई कितने हैं रो, और रो क्या लेस देन एन, तो क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों आई, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लेकर चले थे पीछे, हम क्या लेकर चले थे कि जो ए आई जे का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, सिंस टी टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, क्योंकि टी टू में दो क्यू आई डॉट और क्यू जे डॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 9 दैट क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो टी टू की वैल्यू आई थी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव डेफिनेट रहेगी, दैट इज़ टी टू क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू जीरो तब भी होगा जब सारी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल टू जीरो हो जाएंगी, तभी टी टू जीरो बनेगा, क्योंकि टी टू इन सब सारी टर्म्स का सम था। ठीक है, सम जीरो होने का मतलब हर एक टर्म इंडिविजुअली भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और हर एक टर्म किससे मिलकर, किस हर एक टर्म में है क्या, वेलोसिटी क्यू आई डॉट, तो इसका मतलब टी टू जीरो तभी होगा जब सारे क्यू आई डॉट भी किसके इक्वल आ जाएंगे, जीरो के इक्वल आ जाएंगे। अब हम डेफिनेशन लगा रहे हैं पॉजिटिव डेफिनेट की। पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इसका मतलब कि सारे जो प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो क्या बनेंगे, ग्रेटर देन जीरो बनेंगे, या तो वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए थे, लेकिन इक्वल टू जीरो का केस तो हमने हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या बनेंगे, ग्रेटर देन जीरो बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर ए वन वन, फिर सेकंड, और फिर ये लास्ट, ये सारे क्या बनेंगे, ग्रेटर देन जीरो बनेंगे। पुटिंग द एक्सप्रेशन 7 फॉर काइनेटिक एनर्जी इनटू लैग्रांज इक्वेशन, अब लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास ये होती थी, इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो आप, टी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो पहले फर्स्ट टर्म देखो क्या आएगी आपके पास, टी की वैल्यू चेक करते हैं हम, टी हमारे पास क्या आया हुआ था, टी इक्वल टू टी टू ये टर्म आई हुई थी। ठीक है, पहले इस टर्म का हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट, जब क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म हट जाएगी, ये क्या बचेगा, हाफ समेशन ए आई जे क्यू जे डॉट, ये टर्म बचेगी, फिर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, तो वो क्या बन जाएगा, क्यू जे डबल डॉट, तो फर्स्ट टर्म ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू आई, क्यू आई की कोई टर्म है ही नहीं तो वो आपके पास हट ही जाएगा, और इज इक्वल टू क्यू आई, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, टी की वैल्यू जब आप लैग्रांज इक्वेशन में पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसने आगे कहा, दैट सिंबल डबल स्टार इंडिकेट्स दैट सम ऑफ टर्म्स नॉट इन्वॉल्विंग सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आपके पास कुछ वो टर्म भी आ रहे हैं जिनमें सेकेंड डेरिवेटिव नहीं आ रहा, तो उनको हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, डबल स्टार से। द राइट हैंड साइड लाइक वाइज डू नॉट कंटेन द सेकेंड, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो क्यू आई जनरलाइज फोर्स तो सिर्फ किसका होता है, टी का, क्यू आई का और क्यू आई डॉट का। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन की टर्म तो आएंगी नहीं, क्यू आई का सेकंड डेरिवेटिव तो आएगा ही नहीं इसमें, और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो इसने कहा, नाउ सिंस डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, ये प्रूव कर चुके हम ऑलरेडी कि ए आई जे का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो इट फॉलोज दैट इक्वेशन 18 मे बी सोल्व फॉर सेकेंड डेरीवेटिव एंड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से क्यू जे डबल डॉट की वैल्यू निकालोगे बाकी सारी टर्म्स में, बाकी सारी टर्म्स फंक्शन किसका है, टी क्यू आई क्यू जे डॉट का, तो इसका मतलब क्यू जे डबल डॉट की जब आप वैल्यू निकालोगे या क्यू आई डबल डॉट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो किसका फंक्शन आएगी, टी क्यू आई और क्यू आई डॉट का। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू आई डबल डॉट किसी इन्हीं तीन वेरिएबल्स का फंक्शन आएगी, उस फंक्शन को नाम हमने क्या दे दिया, जी आई। ठीक है, बट देन एज वी नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, कुछ फॉर सर्टेन अजम्पशंस, वो अजम्पशंस क्या हैं कि रिलेटिव टू राइट हैंड साइड जी आई विच इज़ इन मैकेनिक्स आर ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी सेटिस्फाइड,
थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या अजम्पशंस हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन आया जी आई, ये इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एंड देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर लैग्रांज इक्वेशन फॉर आर्बिट्रेरी प्री असाइंड। अगर हम एट टी इक्वल टू टी नॉट पर पहले ही प्री असाइंड कर दें इनकी वैल्यू, क्यू आई को क्यू आई नॉट ले लें और क्यू आई डॉट को क्यू आई डॉट नॉट ले लें इनिशियली, तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि आप जैसे क्वेश्चंस करते हो उनमें भी अगर आपको वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो वो पुट करने के बाद आपके पास एक सिंगल यूनिक वैल्यू निकलती है, तो इन अजम्पशन के अकॉर्डिंग भी ये जीआई इसको सेटिस्फाई करेगा और इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक होगा वो सॉल्यूशन। दस द मोशन ऑफ अ होलोनोमिक सिस्टम इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय स्पेसिफाइंग दीज पोजिशन। अगर हम उनको स्पेसिफाई कर देते हैं, प्री असाइंड इनिशियल्स दे देते हैं, वैल्यू पहले से असाइन कर देते हैं, तो क्या आएगा, सॉल्यूशन यूनिक आएगा। यही मैं प्रूव करना था।